स्टेशन पर रुकी लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे के दरवाजे बंद करने वाली महिलाओं पर रेलवे प्रशासन करेगा कार्रवाई। रवि कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार हम आपको मध्य रेलवे के बदलापुर स्टेशन से जुड़ी हुई एक खबर बता रहे कि कैसे इस हिस्से में यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कर्जत जाने वाली तमाम लोकल ट्रेनें और कर्जत से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आने वाली तमाम लोकल ट्रेनें अप और डाउन, इनमें बदलापुर, वांगनी और शेलू, इन रेलवे स्टेशनों से चढ़ने वाली महिलाओं की दादागिरी अक्सर होती है। एक खबर हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, दो महिलाओं के साथ, मां बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, सफोकेशन की वजह से और मारपीट की वजह से डिब्बे के बाहर फेंकी गई माँ की मौत हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आज फिर हम आपको 12 दिसंबर मंगलवार को बदलापुर स्टेशन पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कर्जत जाने वाली ये ट्रेन जब पहुंचती है, पीक आवर शाम का वक्त है, कामकाजी लोग अपने ऑफिस से निकलते हैं, अपने कार्यालयों से निकलते हैं और घर पहुंचने की, अपने परिवार के पास जाने की सभी को एक जल्दबाजी होती है कि मैं अपने घर वक्त पर पहुंच जाऊं, क्योंकि दूसरे दिन की भी आपकी कामकाज की और अपनी पारिवारिक तथा निजी जिंदगी की टाइमिंग की साइकिल जो है वो आपको बनाए रखनी होती है, तो इसलिए हर कोई यही सोच रखता है। मगर क्या हुआ, ट्रेन बदलापुर स्टेशन पहुंची, फर्स्ट क्लास एसी डिब्बा जो आगे की तरफ था उसके दरवाजे अंदर बैठी महिलाओं ने खोले ही नहीं। चढ़ने वाली महिलाएं कोशिशें करती रही लेकिन इन महिलाओं ने ये दरवाजे नहीं खोले और जब ट्रेन शुरू हो गई तो इन्होंने तालियां बजाना शुरू। यही बात पुरुषों के डिब्बे से कुछ पुरुषों ने देख ली तो उन्होंने चेन घसीटकर ट्रेन रुकवा दी। उसके बाद ये महिलाएं बदलापुर स्टेशन से चढ़ पाई। तो ये मामला अब मध्य रेलवे प्रशासन ने इसको काफी गंभीरता से लिया है और इस संबंध में जिन महिलाओं ने दरवाजा बंद करने की हरकत की, उसकी खुशी मनाई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस संबंध में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी का कहना है कि ये सारा मामला जो है वो बदलापुर, वांगनी और शेलू, इन तीन स्टेशनों से यात्रा करने वाली महिलाओं के बीच में ही है। इनकी एक दूसरे के खिलाफ अक्सर शिकायतें भी रहती है और अक्सर इनके बीच झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट गुट होंगे महिलाओं के जो इस तरह की गतिविधियां और हरकतें करते होंगे, लेकिन इसका खामियाजा इस लोकल में यात्रा करने वाले या इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले तमाम यात्रियों को भुगतना पड़ता है, जिसके चलते ऐसे तमाम यात्रियों पर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए।